नमस्कार, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंगराज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। आज भोपाल शहर के कमला पार्क पर ठगी के शिकार हुए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों ने बताया, अपने खून पसीने से कमा कमा कर एक रुपए जोड़ा, फिर हमने इन कंपनियों पर भरोसा किया और जब हमने इन पर भरोसा किया तो यहाँ हम सबको चूना लगा कर भाग गए। हम सब मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। अपना हक मांगने के लिए जो हमसे बनेगा वो हम सब करेंगे। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। ये जो कुछ कंपनियों द्वारा ठगी करी गई है लोगों के साथ, इसमें आपका क्या कहना है? देखिये भाई साहब, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने आज ये 16 जनवरी 2023 को यहाँ कमला पार्क में ये तमाम ठगी पीड़ित के साथी जो कई कंपनियों से पीड़ित हैं, जिन्होंने अपना खून पसीने की कमाई को इस कंपनियों में कंपनियों के विश्वास के ऊपर जमा किया। आज भुगतान न होने के कारण हमारा एक संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो आज पूरे भारत में 25 अगस्त 2022 से अनवरत सरकार के द्वारा जो बट्स एक्ट कानून बनाई गई है, अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, जिसकी खबर कानों कान तक पहुंचा रहा है, जिसकी हमारे संयोजक माननीय मदन लाल आज़ाद जी, जो कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन के हैं, उनके द्वारा तमाम कंपनियों से पीड़ितों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सरकार और केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा ये सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कई जगह सूचना का बोर्ड भी लग चुके हैं कि आप निवेशक वहां जा कर के अपने दावे भुगतान का फार्म जमा करें और 180 दिवस के अंदर उस कानून में व्यवस्था है कि आपको भुगतान 180 दिवस के अंदर गारंटी देता है ये कानून कि आपका भुगतान निश्चित ही मिलेगा। इसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं आज यहाँ। हम सिंगरौली से चल करके यहाँ आए हैं आज भोपाल, जो कि इस प्रदेश मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं इस संगठन का। तो मैं आपके चैनल और सभी पीड़ित साथियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप की लड़ाई जो है जायज़ है और आपका अधिकार है कि हम यदि किसी भी कंपनी से पीड़ित हैं, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार हो, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड हो, चाहे जीएन गोल्ड हो और साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, इत्यादि कंपनियों से, जी लाइफ हो, जीएन गोल्ड हो और कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हो, ऐसे कई कंपनियों से पीड़ित साथी हैं आपके सब साथ इकट्ठा हैं और किसी कारणवश यहाँ परमिशन भी थी कि हम लोग ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री साहब को कि जो सरकार केंद्र की सरकार और आपके द्वारा जो हर जगह ये सूचना जारी हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आज तक किसी निवेशकों का एक बोर्ड लगा करके काउंटर निश्चित करके किसी का आवेदन फॉर्म नहीं ले रहे हैं, तो मैं ये संगठन के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं को सभी निवेशकों के आवेदन फार्म को लिया जाए और इनके भुगतान के दावे को स्वीकार करके इनके भुगतान कराए। इसका भुगतान करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, उसी के माध्यम से आज हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे और ये सारी प्रक्रियाएँ हम करवा के रहेंगे और हमारा जो संगठन है आज एक साल से काम कर रहा है और उसी के माध्यम से हम इस संगठन के सभी निवेशक इस माध्यम से हम ये सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी आवाज़ है और ये पूरे निवेशकों की आवाज़ है कि हमारा पैसा हम ही मांग रहे हैं और वो ये सरकार है इसको देने में आनाकानी कर रही है, तो कृपा करके सरकार इस चीज़ को माने और निवेशकों का पैसा वापस करे। आपका क्या कहना है? हम लोग कमला पार्क पर सब इकट्ठे हुए हैं, ठगी कंपनी है, सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया है और इसीलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तो जो कंपनियों के एजेंटों ने जो पैसे जमा कराए हैं, सभी निवेश भी आए हैं, तो सबका पैसा वापस दिलाने के प्रयास में हम लोग आए हैं। तो आज मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देंगे, इसके बाद कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे ज्ञापन देने और लड़ाई अब लड़ते रहेंगे बराबर जब तक पैसा नहीं मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।